नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर सुपरस्टार गोविंदा आपके फेवरेट हीरो है और आपने कई वर्षों से उनकी फिल्म नहीं देखी हो, शायद उनकी पिछली फिल्म रंगीला राजा आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, तो अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हैं और आप उनकी किसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, गोविंदा एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, इसमें तो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जितने बेहतरीन वे डांसर है उतने ही अच्छे वे कॉमेडियन भी है। जितनी अच्छी वे कॉमेडी करते हैं शायद ही कॉमेडी में उनका कोई मुकाबला कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि कॉमेडी के वे उस्ताद है, कॉमेडी के वे सरताज है। बहुत ही शानदार कॉमेडी करते हैं और डांस डांस के जो उनके स्टेप्स होते हैं वो आपको याद ही होंगे। आज भी आप उनके गानों पर झूम सकते हैं, उनकी यूनिक स्टाइल में डांस आप देख करके काफी मतलब खुश हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, उनके साथ नाच सकते हैं। इतने बेहतरीन डांसर गोविंदा, और इमोशनल सीन में भी उनका कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर के गोविंदा एक परिपूर्ण अभिनेता है, एक परिपक्व अभिनेता है, एक मेच्योर अभिनेता है जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनको कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल रही है, तो वे कई बार टीवी पर नजर आ जाते हैं, कभी वे मतलब डांस करते हुए नजर आते हैं किसी चैनल पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही उम्दा कलाकार, एक बेहतरीन अभिनेता को मतलब ये मुकाम अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है इससे बहुत ज्यादा बड़े मुकाम के वे हकदार है, और आज भी उनके अंदर ये मतलब एक टैलेंट है, आज भी उनके अंदर ये मतलब काबिलियत है कि वो अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं अगर उनको कोई बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट दी जाए, एक अच्छा रोल दिया जाए। तो दोस्तों, गोविंदा के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर ये है कि संजय गुप्ता, आपको ध्यान होगा संजय गुप्ता जाने माने प्रोड्यूसर है, कांटे जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, और दोस्तों शूट आउट एट लोखंडवाला बनाई थी उन्होंने जो सुपरहिट रही थी, इसके अलावा शूट आउट एट वडाला भी बनाई थी, वो भी काफी पसंद की गई थी। तो वो इसी शूट आउट सीरीज की एक और फिल्म बनाने वाले हैं जिसकी स्क्रिप्ट लगभग फाइनल हो चुकी है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, और ये कोई मुंबई के किसी अस्पताल में एक शूट आउट कांड हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो उस कहानी पर ये फिल्म बेस्ड होगी और 100 करोड़ रुपए का करीब इस फिल्म का बजट होने वाला है। तो इस फिल्म के लिए संजय गुप्ता ने गोविंदा से मुलाकात की है, एससी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और इस फिल्म में गोविंदा एक कॉप के किरदार में नजर आने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनसे बातचीत हो चुकी है, और जैसे अभी तक तो गोविंदा ने फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन जल्दी ही शायद वे फिल्म साइन कर लेंगे। तो आपको गोविंदा को आप गोविंदा को एक बड़ी फिल्म में एंट्री करते हुए देख सकते हैं, और इस फिल्म में आपको गोविंदा एक इंस्पेक्टर के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा, साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।